नमस्कार दोस्तों, जैसे ही बारिश का मौसम ख़त्म होता है तो एडिनियम्स में फिर से फ्लावरिंग शुरू हो जाता है। इसी समय हमें एडिनियम्स के जो कॉडेक्स है इसे भी अच्छी तरह से चेक कर लेना है। दोस्तों इस पर तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा ही, लेकिन आज मैं आपको कुछ अलग ही दिखाने वाला हूँ। दोस्तों ये मेरा एडिनियम प्लांट है जिसको मैंने स्टोन के ऊपर सेट किया है और उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप इसे ज़रूर देखें। दोस्तों इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और मैंने इस एडिनियम पर पूरा ध्यान नहीं दिया था, तो रिज़ल्ट आप खुद ही देख सकते हो। 90% जितना पोर्शन सड़ गया है, यानी रूट रॉट से प्रभावित हुआ है। मैं चाहता तो इसे यहाँ से कट करके एक नया प्लांट बना सकता था, पर दोस्तों इसका लुक अच्छा नहीं आता, इसीलिए मैंने उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने इस प्लांट को धूप में खुला रख दिया, पानी इसे बिल्कुल भी नहीं दिया 10 दिनों तक, और आप देख सकते हैं इसकी जो पॉटिंग मीडिया है वो बिल्कुल ड्राई हो गई है। इसी एडिनियम्स के साथ मेरे दूसरे दो एडिनियम के छोटे छोटे प्लांट्स भी प्रभावित हुए थे रूट रॉट से, लेकिन दोस्तों इसका जो कॉडेक्स था वो 80% जितना सॉइल के अंदर था, इसलिए अभी भी ये सॉफ्ट है। लेकिन मेरा जो ये प्लांट है वो तकरीबन 80% जितना ऊपर है, यानी कि पॉटिंग मीडिया के ऊपर है, इसीलिए ये धूप में मैंने जब इसे रखा तो ये पूरे पूरा ड्राई हो गया है। जब तक बारिश थी तब तक इसका जो कॉडेक्स था वो सॉफ्ट था और सड़ रहा था, लेकिन जब बारिश ख़त्म होते ही मैंने जैसे ही इसे धूप में रखा तो 10 दिन के बाद इसकी जो स्किन है वो हार्ड हो गई है और इसको इजीली रिमूव भी आप कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि यार ये तो पूरा ड्राई हो गया है और ये प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा, और मैंने भी यही सोचा था, लेकिन जैसे ही मैं स्किन को निकालता गया तो अंदर का पोर्शन मैंने देखा कि वो बिल्कुल हार्ड है। दोस्तों जब एडिनियम्स डेजर्ट या फिर नेचर में होते हैं और उसके साथ ऐसा ही प्रॉब्लम होता है तो वो अपने आप सर्वाइव होते हैं इस तरह से नए रूट्स को डेवलप करके। अब यही रूट्स एडिनियम्स के मेन रूट्स हैं और यही रूट्स एडिनियम को सर्वाइव करेंगे। जैसे ही आप स्किन निकालते जाओगे तो अंदर से ऐसे ही आपको रूट्स दिखेंगे। अब इस एडिनियम प्लांट की जितनी भी जो रॉटेड स्किन हो गई है और जितना जो रॉटेड पोर्शन है वो सभी को हमें निकाल देना है। अब हमें केयरफुली जो सारी ड्राई स्किन है इसे निकाल देना है। और दोस्तों जैसे जैसे मैं इसे निकालता जाता हूँ मुझे नए जो रूट्स हैं वो दिखाई पड़ते हैं, यानी कि मेरा एडिनियम ये फिर से ग्रो होगा। और दोस्तों एक बात और है कि इस तरह से जो प्लांट रोटेड होते हैं इसका शेप बिल्कुल ही अलग होता है। मेरे इस एडिनियम के कॉडेक्स का जितना भी सड़ा हुआ जो पोर्शन था वो जैसे जैसे मैं निकालता गया तो मुझे एडिनियम का एक नया ही शेप मिलने लगा, और मैंने देखा कि अंदर एक होल जैसा हो गया है, यानी कि कैविटी जैसा हो गया है। दोस्तों आपने नेचर में या फिर किसी भी बॉन्साई के एग्जीबिशंस में ऐसे कैविटी वाले प्लांट्स देखे होंगे। बॉन्साई के एक्सपर्ट्स इसे बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन एक्सीडेंटली मुझे ये प्लांट में ऐसी कैविटी मिल गई है, यानी कि मुझे एक बहुत ही अच्छा बॉन्साई प्लांट मिल गया है। दोस्तों इस तरह अगर प्लांट्स रोटेड होते हैं तो इसके सर्वाइव होने के 10% ही चांस होते हैं, और मैं लकी हूँ कि मेरा ये प्लांट सर्वाइव हो गया। मैंने इस कॉडेक्स में से जितनी भी रोटेड स्किन थी वो सारी निकाल ली है। अब इसके जो रूट्स हैं वो स्लोली नीचे आएंगे और ये जो पॉटिंग मीडिया है इसमें सेट हो जाएंगे, तो फिर से ये प्लांट ग्रो होने लगेगा। मेरे इस प्लांट के कॉडेक्स की खूबसूरती इसकी ये कैविटी है, और जो बाहर निकले हुए रूट्स हैं जब वो नीचे आ जाएंगे तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। तो दोस्तों अगर आपके एडिनियम प्लांट्स में भी अगर आपका प्लांट ऊपर से कुछ इस तरह से रोटेड हो गया हो तो इसे भी इसी टेक्निक से एक बेहतरीन बॉन्साई प्लांट में कन्वर्ट कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको मेरा ये एक्सपेरिमेंट पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।